हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर ब्लॉग। तो भाई कैसे हो सारे के सारे? पहले तो सारे भाइयों को मेरा राम राम। तो भाई आप सबके कहने पे आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आज का जो वीडियो है वो जैसे कि आपने थंबनेल देख चुका होगा कि भाई उसमें रिज्यूमे है। तो भाई आज का जो मैं व्लॉग है वो रिज्यूमे के ऊपर बना रहा हूँ। तो भाई मेरे पे सारे भाई कह रहे थे कि भाई मैं कनाडा लैंड कर चुका हूँ, मैं कनाडा आने वाला हूँ, मेरी इस दिन फ्लाइट है, तो भाई मुझे रिज्यूमे प्रिंट कराना है, मुझे रिज्यूमे बनाना है। तो भाई बंदे मेरे से पूछ रहे हैं भाई आपका कैसे रिज्यूमे बनाते हो, भाई कैसे आपको जॉब इंटरव्यूज आ रही हैं। तो भाई आज जो है मैं आपको अपना रिज्यूमे शेयर करूंगा, मैं आपको अपनी सारी चीज़ बताऊंगा कि भाई मैं क्या डालता हूँ अपने रिज्यूमे में, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए इन फ्यूचर अगर आप कभी जाओ अपना रिज्यूमे देने के लिए, कैसे आपको अपना रिज्यूमे प्रेजेंट करना चाहिए, सारा कुछ मैं बताऊंगा भाई इस वीडियो में। आप बस भाई रिज्यूमे देख के व्लॉग स्किप मत कर देना, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा साथ के साथ। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। तो भाई ये रहा मेरा रिज्यूमे, ठीक है, यहाँ मैं साइड में दिखाता जाऊँगा आपको और मैं सारा कुछ पढ़ता जाऊँगा और आपको सारा कुछ समझाता जाऊँगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है। आप रिज्यूमे देख के स्क्रीनशॉट लेके मत चले जाना, क्योंकि भाई आगे जो है आपसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों करा है, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो स्किप मत करना, टिल एंड तक देखना। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे आपके लिए ऐसे ही सेम वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। ये रहा भाई मेरा रिज्यूमे और ये मेरे हाथ में, मैं आप पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनना। तो भाई सबसे पहले आ जाएगा अपना नाम, ठीक है, नाम के नीचे एड्रेस, ठीक है, अपना पोस्टल कोड ना डालना भूलना, पोस्टल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और नीचे ईमेल एड्रेस। और जो भाई अभी इंडिया में है तो वो भाई मुझे बोलते हैं कि भाई हम पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो भाई क्या करना, जैसे ये फ़ोन लिखा हुआ है, फ़ोन के आगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने हाइड कर रखा है, आप उसके लिए स्पेस छोड़ देना, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और अपना ईमेल एड्रेस तो होगा, ईमेल एड्रेस डाल देना, फ़ोन नंबर के लिए स्पेस छोड़ देना। और एक चीज़ और बता दूँ, आप जो है कनाडा की सिम जो इंडिया से भी ले सकते हो, अगर जिन जिन भाइयों ने इंडिया में ले रखा है सिम, वो क्या करें, वो अपना जो है नंबर डाल दे, और जिनके पास नहीं है तो वो अपना वो वाला डाल दे, मतलब स्किप करके उसके लिए जगह छोड़ दे। कल को आप आओ कनाडा, आप अपना नंबर ले लो, तो ब्लैक पेन से अपना वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, ठीक है, और नीचे ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, आपका एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब उसके आगे क्या है, उसके आगे जो मैंने नीचे जो तीन मोटी मोटी लाइन लिखी है, ये तीन लाइन क्या होती है गाइज, ये तीन लाइन होती है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जो आपने सुना होगा सेम चीज़ है गाइज वो ये, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि एक ऑब्जेक्टिव जो एक रिज्यूमे है, रिज्यूमे में आप क्यों अपना रिज्यूमे दे रहे हो, आप क्या चाहते हो सामने वाले से, वो एक मोटा मोटा सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए ये यहाँ पे ये तीन लाइन लिखी जाती है कि वो बंदा पढ़ के कि बंदा खुश हो के भाई बंदा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करे या फिर जो भी करे। कॉल से याद आया गाइज, यहाँ पे जो है आप अपनी ईमेल जो है रेगुलर चेक करा करो, बहुत कम कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, आपके पास ज़्यादातर मेल ही आएगी। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ एक मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया था, मेरे पे कॉल नहीं आई थी, मेरे पे मेल आ गई थी और मैं जो है मेल जो है चेक नहीं कर रहा था रेगुलरली, तो मेरे साथ ये गलती हुई, तो मैंने अपना एक इंटरव्यू मिस कर दिया। तो और एक चीज़ और, ये जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट आपको वर्ड ऑफिस में ज़रूर मिल जाएगा। वर्ड ऑफिस में जब आप जाओगे तो ऊपर जो न्यू होता है कॉर्नर में, वहाँ पर जाके न्यू टेम्पलेट टेम्पलेट टाइप का आ जाएगा, टेम्पलेट में आपको ये सेम रिज्यूमे का फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। कहीं आप कोशिश करने लग जाओ कि आप ऐसा सेम डिज़ाइन मारने लग जाओ, ऐसा नहीं होएगा, इसका टेम्पलेट मिल जाएगा, बहुत ईजी है। तो ऐसा टेम्पलेट मिल जाएगा, आपको बस बीच में एडिटिंग करनी है, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि रिज्यूमे कह रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसके नीचे। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। अब बंदे मुझे कहते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस डाले, है किस टाइप की जॉब है, तो भाई मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊं, एक एक्सपीरियंस डालना, ठीक है, एक स्टोर की सेल्समैन टाइप की कैशियर और सेल्समैन एक ही साथ लिख देना, और जो आपका एक्सपीरियंस अगर है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चेक होएगा, कि आपको चेक करने के लिए बोलेंगे भाई दिखाओ क्या एक्सपीरियंस है, सामने वाले को कॉल करेंगे, बहुत कम केसेस होता है, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैशियर एंड क्रू मेंबर, और नीचे लिखा हुआ है दीपिका फैशन स्टोर, जो मैं यहाँ काम करता हूँ अभी अब तो नहीं करता भाई, मैंने काम छोड़ रखा है फिलहाल अभी यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरे पास अभी सिक्योरिटी का काम है, तो मैंने काम छोड़ रखा है, दो जगह काम नहीं कर सकते। तो क्या है,
तो यहाँ पे मैंने अपना एक सेल्समैन का डाल रखा है, क्योंकि भाई आप जब भी अपना रिज्यूमे बांटोगे ज़्यादातर आप अपना से देखो कैशियर एंड सेल्समैन में क्या फ़ायदा है। कैशियर आपका जो है रेस्टोरेंट में भी लग सकता है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है उसमें अगर किसी कैशियर की ज़रूरत है तो कैशियर के लिए भी आपका ये रिज्यूमे हो जाएगा, और किसी जो मॉल वगैरह है जैसे कहीं पे है तो वहाँ के लिए भी आपका ये रिज्यूमे चल जाएगा। तो आप एक ही साथ लिख देना कैशियर एंड क्रू मेंबर, ठीक है, क्रू मेंबर, और कोई या फिर आगे सेल्समैन लिख सकते हो आप। तो आप उसके लिए 3 लाइन लिख दो नीचे आपने उसमें क्या क्या काम करा है, और ऊपर जो है डेट लिख देना, डेट मतलब कि ईयर लिख देना, मतलब पूरा ऐसे स्पेसिफिक मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको इतना वो इतना देखते भी नहीं है, बस आपको ऊपर लिखना आपने किस ईयर करा है, ठीक है। आप ये मत लिखने जाना 21 मई से लेकर 23 जून, ऐसे करके ऐसे कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जो है सामने वाले की इमेज डाउन करता है, एक प्रोफेशनल टाइप को आपको रिज्यूमे बनाना है। तो आप सिंपल लिख दो भाई इस ईयर मैंने काम करा है, ये है मेरा एक्सपीरियंस और ये रहा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस ये डालना जो मैंने आपको बता दिया, कैशियर एंड क्रू मेंबर या फिर सेल्स एसोसिएटिव, और नीचे जो है साइड में दुकान का नाम जिस दुकान पे आपने काम करा, और ऊपर जो डेट और नीचे जो आपने काम करा है क्या काम करा है, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको कहूँगा वो डालना भाई आप वेयर हाउस का, ठीक है, जिस भाई ने वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल एरिया साइड में काम करा है वो भाई वेयर हाउस का ज़रूर डालना, क्योंकि भाई यहाँ वेयर हाउस वगैरह में कभी कभार हायरिंग चलती है, तो उसके लिए भी आपका ये रिज्यूमे हो जाएगा। मतलब ये जो दो काम है ना ये यहाँ पे सदाबहार है, मतलब कि भाई यहाँ काम ये चलता रहता है, रेगुलर है, आपको बार बार रिज्यूमे एडिट करके प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही रिज्यूमे से ना अपना बहुत काम कर सकते हो। तो भाई ये जो है मेरा रिज्यूमे ना भाई मैंने इससे कम से कम 4-5 इंटरव्यू मतलब ऐसे आए हैं मेरे पास, और इन मैं इंटरव्यू देने गया हूँ। और ये तो हो गया भाई एक्सपीरियंस, अगर आपका किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस है तो भाई आप ज़रूर डालो, आपका अपना इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट के साथ अपना यहाँ पे डालो, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई कि आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइन लिख दो, पैराग्राफ टाइप का लिख दो, भाई बिल्कुल नहीं, आपको बस 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी, ठीक है, दो मोटा मोटा 3 लाइन बस, इससे ज़्यादा आपने लिख दिया तो भाई सामने वाला खुद ही इरिटेट हो जाता है, भाई इसने क्या लिख दिया इतना सारा, ठीक है भाई। वो जैसे भाई मैं खुद हूँ, मैं कल को भाई कुछ पढ़ूँ तो मेरे को लेजीनेस आ जाती है भाई, मेरा मन नहीं कर रहा भाई पढ़ने का। अगर एक स्पेसिफिक मोटा मोटा बुलेट पॉइंट टाइप्स मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिखा हो ना भाई, पढ़ने का मन भी करता है और जल्दी दिमाग में भी आता है, ठीक है। और उसके नीचे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आपकी एजुकेशन। अब एजुकेशन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं गाइज, कि भाई अपनी ना एजुकेशन भाई स्टार्टिंग से लिखने लग जाते हैं, भाई मैंने प्लस मतलब मैंने 10th करी हुई है 10th क्लास का एजुकेशन, 12th करी है 12th क्लास का एजुकेशन, अभी कॉलेज करी है कॉलेज का एजुकेशन, ग्रेजुएशन करी है, अब मैं कनाडा में पढ़ रहा हूँ उसका एजुकेशन, भाई इतना एजुकेशन नहीं लिखना, ठीक है। आप जो अभी करेंटली पढ़ रहे हो ना, है जैसे मैं भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो देख रहे हो आप जैसे ये मैंने अपने सिर्फ कॉलेज का डाला हुआ है, मई 2023 जो जिस इनटेक में मैं आया हूँ, और नीचे होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट जो मेरा कोर्स है, आगे फैंशो कॉलेज टोरंटो कैंपस, और नीचे जो है मैंने उसके बारे में 2 लाइन लिख रखी है, आई करंटली स्टडी एट फैंशो कॉलेज टोरंटो कैंपस 2-ईयर डिप्लोमा एंड दिस कोर्स विल हेल्प मी टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद कस्टमर, ठीक है। ये एक कस्टमर फील्ड में हो गया, लाइक मेरे को अगर कहीं सेल्स एसोसिएटिव वगैरह में काम चाहिए, कहीं मॉल वगैरह में चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट हो गया, मेरे कोर्स के रिलेवेंट भी है, और इतना मैंने कुछ इसमें रश भी नहीं करा। कहीं आप लिखने लग जाओ भी 12th क्लास में मैंने KV No. 1 अम्बाला कैंट से करी है, इतना कुछ नहीं लिखना, रिज्यूमे का 1 पेज बहुत होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई इसमें 3 पेज स्टेपल मार के लेके जाते हैं, भाई वो बुकलेट टाइप का कोई नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, जिसको देख के पढ़ने का मन भी करे, ठीक है भाई। तो एजुकेशन में बस एक ही एजुकेशन डालना, आप कहीं सारा कुछ मत डालने बैठ देना कि भाई मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा करा है उसका एजुकेशन, ये सब कुछ नहीं, वो सब अलग आएगा और उसके आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे जैसे ये आ गया सर्टिफिकेशन, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है, क्या क्या सर्टिफिकेशन आपने कर रखी है, जैसे मैंने इसमें स्मार्ट सर्व लिखा हुआ है। स्मार्ट सर्व क्या होता है, स्मार्ट सर्व सिक्योरिटी में भी काम आता है, और स्मार्ट सर्व क्या है, स्मार्ट सर्व कहीं बार वगैरह का काम हो, बार टेंडर वगैरह का, तो वो ये काम आता है। अगर आप ये बार टेंडर में भी दोगे तो बंदा आपको रख लेगा, क्यों, क्योंकि भाई कैशियर एंड क्रू का वहाँ पे भी काम होता है, और स्मार्ट सर्व है तो आपको वैसे ही हायर कर लेंगे भाई। ये मैं कुछ ना मैंने बहुत मुश्किल से जाके ना कम
इससे पहले मेरे 2-3 रिज्यूमे और थे, मैंने सबसे एक एक आइडिया लेके ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई तब जाके मैंने अपना रिज्यूमे बनाया। आप बोलोगे भाई, कुछ बंदे बोलेंगे भाई क्या है इसमें 2 लाइन तो लिखी है भाई आपने, ऐसा तो हम भी बना लेंगे। भाई हाँ ज़रूर बना लोगे आप भाई, आपका अपना है सारा कुछ तो, बट जो भाई मैंने अपने दिल से लिखा है भाई सारा कुछ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पे अगर कोई जॉब कोई इंटरव्यू आता है मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। तो भाई इसमें जो है आपको अपनी सर्टिफिकेशन लिखनी है, और आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, कोई बहुत कम बंदे होते हैं जो मांग लेते हैं। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप ज़रूर लेके आओ भाई, कहीं आप इंडिया में छोड़ के आ जाओ, कहीं और छोड़ दो, या फिर डिजिटल कॉपी या फिर अपने फ़ोन में या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट बना के ज़रूर लेके आओ। और उसके बाद नीचे आ गई स्किल्स, स्किल्स आपके पास क्या क्या स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट। और भाई ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, 6 से ज़्यादा मत लिखना हर एक में, सर्टिफिकेशन में 6 और स्किल्स में 6, या फिर 6 से ज़्यादा मत लिखना, 6 से कम ज़रूर लिख सकते हो भाई। अपने पेज के अकॉर्डिंग देखना, कहीं मेरा पेज जो ज़्यादा रश तो नहीं लग रहा, ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रहा लुक वाइज, उस हिसाब से ठीक है। और एक प्रॉपर वे में कहीं आप वो भी मैनेज, वो भी आप सारा कुछ लिखने लगे, टीम वर्क के बारे में 2 लाइन लिखने लग जाओ, बिल्कुल नहीं गाइस। आपको एक बुलेट पॉइंट की तरह जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। और ये सारा जब कुछ कंप्लीट हो जाए ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम है अवेलेबिलिटी, आप कब अवेलेबल हो काम करने के लिए, ये ज़रूर लिखना ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर ये आप लिखोगे ना तो सामने वाले को क्लैरिफाई मिलेगा, एक बंदा ना क्लैरिफाई होगा भाई, बंदे ने साफ साफ लिख रखा है मैं इस टाइम तक अवेलेबल हूँ, इस टाइम से इस टाइम अवेलेबल हूँ भाई, वो आपसे पूछेगा नहीं ठीक है। जब बंदा कोई आपसे सामने से पूछेगा नहीं, इस मीन्स आपने उसका सारा डाउट क्लियर कर रखा है ठीक है। तो आप ऐसा रखो कि आप उसकी जगह हो, और कोई आपको अगर रिज्यूमे दे तो आप उससे क्या चाहते हो ठीक है, वो सारा कुछ आपको ना, मैंने नीचे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि भाई मेरा स्केड्यूल चेंज होने वाला है, ये मैंने ऐसा बना रखा है कि भाई कल को मैं नीचे अपनी एबिलिटी लिख दूँ ब्लैक पेन से एक अच्छे वे में, और जिसमें अपना सारा कुछ लिख दूँ। तो आप भी अपना ज़रूर लिखना, अगर जिस जिसका स्केड्यूल आ रखा है तो अपना एबिलिटी लिख दो सारा कुछ, और सामने वाले को क्लैरिफाई दो भाई मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, इस टाइम तक। अगर वो टाइम उसके उसमें शूट करेगा तो वो आपको ज़रूर कॉल करेगा। अगर जो बंदे फुल टाइम है तो फुल टाइम लिख दो ठीक है। जो बंदा जैसे मंडे कॉलेज होता है तो मंडे में ही मैं 5 बजे से लेकर 6 बजे तक फ्री होता हूँ, तो भाई ऐसा लिख दो मंडे आई एम फ्री, मंडे 5 से 6 फ्री मतलब अवेलेबल, उसके आगे लिख के ऐसा कुछ करके अपना ना अवेलेबिलिटी नीचे लिख दो भाई। ये हो गया रिज्यूमे ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको रिज्यूमे के ऊपर बता दिया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब रिज्यूमे प्रेजेंट कैसे करना है भाई। पहले मैं भी ये गलती करता था, इसलिए मेरे को पहले इंटरव्यू की कॉल नहीं आती थी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, एक ट्रिक होती है ठीक है भाई। सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जाके रिज्यूमे दे देते हैं भाई, आर यू गाइस आर हायरिंग। पहले मैंने भी करा है, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहले मैंने भी करा हुआ है। तो भाई वो गलती का मेरे को एहसास हो गया भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस वे में करना है ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये रिज्यूमे जो है फोल्ड करना है, फोल्ड करके एक एनवलप बनाना है, एनवलप बना के एनवलप के अंदर डालना है, एनवलप के अंदर डाल के आप जहाँ भी देने जा रहे हो ना उसके ऊपर लिख देना टू द मैनेजर ठीक है। जो भी उस रेस्टोरेंट का या जो भी उस मॉल का मैनेजर है वो लिख के उसको एक अच्छे से ना सेक्सी वे में ना सेट करके उसको बना दो ठीक है। और चाहे आप वो किसी को भी दे दो, चाहे उसके किसी स्टाफ को दे दो, चाहे किसी को भी दे दो, तो भाई वो क्या सोचेगा भाई, वो सोचेगा भाई ये तो किसी मैनेजर का आया हुआ भाई, इसको हम ऐसे छेड़ नहीं सकते। तो सीधा जो कोशिश करेगा कि भाई मैं मैनेजर तक ये पहुँचाऊँ, तो आपका जो वो जो है लिफाफा वो मैनेजर तक ज़रूर पहुँचेगा। जब मैनेजर पर आ जाएगा, मैनेजर सोचेगा भाई किन ने भेज दिया ये, तो भाई मैनेजर ओपन करेगा, मैनेजर ओपन करके देगा अरे ये तो रिज्यूमे है, तो वो अपनी हायरिंग टीम को वो रिज्यूमे यूँ करके पकड़ा देगा, लो भाई तुम्हारा काम है। तो हायरिंग टीम क्या सोचेगी, हायरिंग टीम सोचेगी भाई कि भाई मैनेजर ने दिया है, तो भाई उसका कोई जानकारी होएगा तो भाई वो क्या करेगा, वो आपको कॉल करेगा या मेल डालेगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी भाई। सुनने में भाई भले ही छोटा लग रहा हो, भले ही ठीक ना लग रहा हो, पर ये फैक्ट है, ऐसे हो जाता है, ये ट्रिक है। बट सबसे अलग चलना है आपको, सबकी तरह नहीं चलना, सबसे अलग चलना है ठीक है। तो भाई अगर आप ऐसे रिज्यूमे दे दोगे ना अपना किसी उसके स्टाफ को, वो क्या करेगा, हाँ भाई मैं दे दूंगा कोई बात नहीं आप चले जाओ, तो वो क्या करेगा वहीं डस्टबिन में डाल देगा ठीक है। तो आपके पैसे भी बर्बाद, आपका रिज्यूमे भी बर्बाद, आपका टाइम भी बर्बाद ठीक है। तो भाई ये गलती मत करो। तो भाई ये था सारा कुछ रिज्यूमे के ऊपर। अगर आपको सिक्योरिटी का रिज्यूमे या किसी के भी रिज्यूमे के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, तो भाई फील फ्री मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोई डाउट नहीं है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका भी रिप्लाई करूँगा।
तो अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ आप जो कमेंट करके मुझे बताओ भाई, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी भाई, आपने ये गलती करी, मैं सीखूंगा भाई आपसे, ठीक है। तो आगे जाके मैं एक अच्छा व्लॉगर या अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।